महाराष्ट्र के यवतमाल में बड़ी लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। एक गांव में 12 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की बूंदों की जगह दो दो बूंदें सैनिटाइजर की पिला दी गई। इसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, बच्चों को वॉमिटिंग होने लगी, बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले में जाँच के आदेश दे दिए। दुनिया को भारत ने भले ही कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन बनाकर दे दी हो, लेकिन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कई मौकों पर चरमराती दिख जाती है। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रविवार को देश भर में पोलियो ड्रॉप पिलाया गया, लेकिन यवतमाल में डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मियों की घनघोर लापरवाही के चलते बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया। ऐसी हरकत से किसी का भी खून खौल जाएगा। उन माँ बाप के बारे में जरा सोचिए जिन बच्चों के साथ ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई। इस पूरे मामले के बाद प्रशासन हरकत में आई और डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर को निलंबित कर दिया गया। यवतमाल में बच्चों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्या स्वास्थ्य महकमा बच्चों की जान को इतना सस्ता समझ लिया है कि पोलियो ड्रॉप की जगह उन्हें सैनिटाइजर पिला दिया गया? लापरवाहों पर गाज तो गिर गई, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आखिर क्यों मासूमों की जिंदगी के साथ सरकारी मुलाजिम खेल गए। पूरे मामले में जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रभावित बच्चों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत स्थिर है। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना काप सिकोरी गांव में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई, जहां 1 से 5 साल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यवतमाल जिला परिषद के CEO श्री कृष्ण पंचाल ने बताया कि 5 साल से कम उम्र के 12 बच्चों को पोलियो की बूंदों के स्थान पर सैनिटाइजर पिला दिया गया। बच्चों ने उल्टी और बेचैनी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को सैनिटाइजर की बूंदें दी गई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी बच्चों की हालत स्थिर है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल-पल की अपडेट के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।